नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में दिखाया था, जो बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का जो लेटर जारी हुआ था, जिसमें कि वो लेटर में संघ के जो भी लोग हैं उनके द्वारा जो चयन मुक्ति प्रक्रिया है, जैसे कि वो साजिश है, इसके खिलाफ जो है कि जो संघ के लोग हैं उन्होंने ICDS में जो इसका लेटर है वो भेज दिया है, ताकि जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं उनमें चयन मुक्ति का जो भय हो वो ना रहे, और अपनी मांगों को लेकर जो सेविका सहायिका हड़ताल कर रही हैं वो आगे भी हड़ताल पर जारी रहें, ताकि जो उनकी मांगें हैं वो मांग सरकार तक पहुँचे और उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। देखिए, बीच रास्ते में ही हड़ताल तोड़ना ये कतई अच्छा नहीं है। अगर आप लोग अब हड़ताल तोड़ेंगी तो आप लोगों का जो भी इतना सारा कुछ हुआ है वो सारा का सारा बेकार हो जाएगा। तो देखिए, आज के इस वीडियो में जो महासचिव हैं कुमार बिंदेश्वर सिंह जी, वो क्या कर रहे हैं ताकि आप लोगों का जो हौसला है वो बढ़े और आप लोग अपने जो मांग है वो मांग पे अड़ी रहें। तो देखिए ये पूरा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नौकरी हो गया तब ना, हम सरकारी कर्मचारी हैं क्या, इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार जिस दिन सरकारी कर्मचारी बना देगा तो हमारा सारा लड़ाई खत्म हो जाएगा, मांग पूरा हो जाएगा। लेकिन जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं हम बनते हैं तो हम तो वॉलंटियर हैं, हम किसी के गुलाम तो है नहीं। यह बात को समझना चाहिए। इसलिए ये जो चयन लेने वाला धमकी है ये एकदम फर्जी है, षड्यंत्र है, आपको डराने के लिए, हड़ताल को तोड़ने के लिए। अगर हड़ताल टूट गई तो आज के बाद से फिर सर उठा करके जीने लायक सेविका सहायिका नहीं रहेगी, हम लोग बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। इसीलिए आप तमाम बहनों भाइयों से अनुरोध है कि अपने अपने चौकी पर मैंने केंद्र पर अगोरिया करके रखे। अगर एक पौधा का ताला पहले से लगाए है केंद्र में तो उसको कीलो वाला ताला लगा कि नीतीश जी माथा पटकते रहे तब भी वो ताला नहीं खुले, जब तक मांग पूरा नहीं होता है। ये लड़ाई है। हम यही कह कर करके आप तमाम बहनों को भाइयों को आश्वस्त करते हैं कि लड़ाई आप जीत रहे हैं। मेरी जगह पर आप हैं, थोड़ा भी चेहरा पर शिकन करने की लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई गलती नहीं, कोई भूल चूक नहीं। हम कल भी मुजफ्फरपुर में मीटिंग किया, सीतामढ़ी में किया, दरभंगा में किया, अभी दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और अभी पूरे बिहार का दौरा बना है कि जहां जहां हमारे बहनों को डराया धमकाया जा रहा है, चिट्ठी लगवा दिया गया डर से, हम सबको रिटर्न करा रहे हैं। अब तो सरकार पर उल्टा तमाचा पड़ रहा है कि सरकार प्रयास तोड़वा रही है, हमारी बहनों की जो चट्टानी एकता है वह टूटने का नाम नहीं ले रही है। जो लीडर भूल चूक में चिट्ठी दे दिया उस पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का इतना प्रेशर है कि फिर डर से वो चिट्ठी लगा रही है, हमसे गलती होगी। इसलिए कहीं भी थोड़ा भी चूक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब जब लड़ाई लड़े हैं हर समय जीते हैं। तो जैसा कि अभी आप बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के जो महासचिव हैं कुमार बिंदेश्वर सिंह जी, उनकी बयानों को सुन रहे थे। तो आप लोग जो भी सेविका हैं, सहायिका हैं या जो अभिभावकगण हैं, वो सभी लोग निश्चिंत रहें। आप लोगों पे कोई भी जो चयन मुक्ति की प्रक्रिया है वो नहीं होगी, ये एक साजिश है, अफवाह है। आप लोगों को अपने हड़ताल पर बने रहना है। जैसे कि अभी छठ पूजा को लेकर जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ अभी स्थिर हैं, वो छठ पूजा के बाद से फिर दोबारा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरेंगी और आपकी मांगों को सरकार जरूर मानेगी। आप लोग इसी प्रकार से अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जितना हो सके आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।